को लेकर के जो सरकार का रवैया रहा कि विपक्ष के सभी एमएलए को मेरे को रोकने का काम किया गया, हालांकि हम अपराधी नहीं थे जो हमको रोका गया। अच्छा होता कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता, और जो गोपालगंज में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार भर में जितने अपराधी जो नाच कर रहे हैं खुलेआम, उन पे कार्रवाई होती तो ज़्यादा बेहतर रहता। आज स्पीकर महोदय से हम मिले, अनुमति लेकर के आना पड़ा। देखिए, देश के किसी भी राज्य में विधानसभा के इतिहास में ऐसा नहीं होगा कि नेता प्रतिपक्ष को अनुमति लेकर के विधानसभा जाना पड़ रहा है। दूसरी बात कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने ही सर्वदलीय बैठक की मीटिंग करवाई थी। मीटिंग जो है सर्वदलीय की इन्होंने ही बुलाई थी, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। तो जब स्पीकर महोदय के तरफ से जब मीटिंग सर्वदलीय बैठक की बुलाई जा सकी है, तो विधानसभा सत्र भी, विशेष सत्र जो है, चाहते हैं कि स्पीकर महोदय बुलाए। विषय जो हमने रखा है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, अपराध जिस प्रकार से बढ़ा है, लॉकडाउन पीरियड में जितना हत्या, कितना लूट, कितना अपहरण, कितना रेप, कितने दंगे जो कराने की कोशिश की गई, हम लोगों ने भी देखा। नालंदा जिला की घटनाओं को भूल नहीं सकते हैं। गया के अस्पताल में नई शादी हुई थी, उस बच्ची के साथ जो महिला थी उसके साथ गैंगरेप कर दिया गया सरकारी अस्पताल में। गोपालगंज में तो दिन दहाड़े जो है कोरोना बल्कि रेड जोन को तोड़ते हुए ऐसा लग रहा था सरकार ने पास दे दिया है गोली चलाने का। एक ये विषय, दूसरा विषय हमारा जो है प्रवासी मजदूर को जो लाने में लापरवाही की गई, बद इंतजामी जो कह सकते हैं, और जिस प्रकार से दूसरे दर्जे का नागरिक ठहरा दिया गया क्योंकि वो गरीब है, मजबूर है, बेसहारा है, जो श्रमवीर हमारे ना खाने को मिल रहा है, ना लाने, ना उनको सरकार ला पा रही है, कोई साधन नहीं दे पा रही है, क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाएं नहीं है, एक ये इशू। तीसरा, स्वास्थ्य जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग चरमरा सा गया है, आपको पता है कि अभी तत्काल में ही प्रधान सचिव का जो है तबादला हो गया। जो तबादला हुआ, मान लीजिए जो योद्धा जो लड़ रहा है बीच में, उसके कमांडर को जो है, पूरी टीम के कमांडर को चेंज कर दिया जाए, तो क्या स्थिति बनेगी? कितने क्वारंटाइन सेंटर की क्या स्थिति है, अस्पताल की क्या स्थिति है, क्या इलाज हो रहा है, कितना पीपी किट मिला है, कितना दवा की व्यवस्था कराई गई है, टेस्ट किट्स की कराई गई है, रैंडम टेस्टिंग कितनी कराई जा रही है। एक स्वास्थ्य जो चरमरा सा गया है बिहार का, उस पर जो है हम लोगों ने किया है। तो इन सारे जो विषयों पे जो है हम लोगों ने बोला है स्पीकर महोदय को कि आपने जो है ऑल पार्टी मीट बुलाई थी, सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, ये आपका इनिशिएटिव था, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। अब हम लोग चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश बिहार की स्थिति बेहद नाजुक है, बिहार सुनिएगा, बिहार की स्थिति बेहद नाजुक है, और उसको देखते हुए हमारा विपक्ष का दायित्व है कि उन सभी मुद्दों को सरकार के संज्ञान में लाने का काम करें, और उम्मीद करेंगे कि सरकार जो है विशेष सत्र बुलाने में सहयोग करेगी, क्योंकि हम लोग तो पहले दिन से ही सहयोग करते रहे हैं। बजट सेशन जब बंद कराने की बात थी तो हम विपक्ष ने ही सरकार को मदद किया था। बेरोजगारी यात्रा अगर बंद करानी थी, स्थगित करानी थी, तो हम लोगों ने समर्थन किया। जब प्रशिक्षण शिविर जिस दिन हमको राजगीर जाना था,
उस दिन लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने कैंसिल किया, सहयोग किया लगातार 2 महीने 50 दिन से भी ज्यादा विपक्ष जो है सरकार को सहयोग करती रही, हर एक दिशा निर्देशों का पालन करती रही। तो हमें उम्मीद है कि जो स्थिति जो सामने आई है बिहार की, जो हालात नाजुक है, तो सरकार के लोग भी ईमानदारी से जो है ये बुलाएंगे। लेकिन जो घटनाक्रम जो अभी कुछ दिनों में हुआ है, सरकार को तो जैसा लग रहा है कि संरक्षण देने का काम कर रहा है। गोपालगंज जाइएगा, आए मुख्यमंत्री जी सदन में जवाब दे, वो भी दे हम भी दे, सवाल पूछे, लोगों को हकीकत पता चलेगी कि क्या है। तो यही अभी गोपालगंज जाइएगा, गोपालगंज जाइएगा, गोपालगंज जाइएगा। हमने पहले भी कहा था कि हम मारापीटी करने नहीं जा रहे हैं, बात समझिए, एक मिनट, हम मारापीटी करने नहीं जा रहे हैं। हम तो जा रहे थे जो पीड़ित थे ऊपर के संतावना देने, उनकी आंसू को पोंछने जा रहे हैं। और ठीक है, सरकार ने रोका, हम रोक गए, कोई हाथापाई हम लोगों ने नहीं की, चलो ठीक है। आप ये एक बात देखिए, सरकार की अनुमति हो मोबाइल पीछे करो, हम जरूर जाएंगे, लेकिन ये अनुमति देगी तब तो, जाने देगी तब तो।